Assalamualaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 3 of grade 4 science, human health. जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है जो कि है प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीजेज एंड देयर ट्रांसमिशन. तो स्टूडेंट्स, हम किस तरह से जो है वो इन डिजीजेज को फैलने से रोक सकते हैं, आइए देख लेते हैं. तो स्टूडेंट, जो पहला हमारे पास मेथड है वो है वैक्सीनेशन का. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है. इसमें हम क्या करते हैं कि जो वीकर या जो इनएक्टिव जर्म्स होते हैं उस स्पेसिफिक डिजीज़ के, उसको हम इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स में, जिससे क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन बींग का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस डिजीज के जर्म्स के खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी बिल्ड कर लेता है. और जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि पोलियो वायरसेस है, उसमें हम पोलियो के ड्रॉप्स मिलाते हैं. और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज को मैंडेटरी जो है वो करार दिया है कि हर बच्चा जो है वो पोलियो के ड्रॉप्स पिएगा ताकि वो पोलियो के जो वायरस है उसे बच सके. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है मेथड वियरिंग अ मास्क. तो स्टूडेंट, जब हम एक मास्क वेयर करते हैं तो हम किसी भी अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे बच जाते हैं, और जो जर्म्स होते हैं वो हमारे माउथ या नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाने से जो है वो बच जाते हैं. और स्टूडेंट, उससे क्या होता है कि जो जर्म्स जो होते हैं वो हमारे माउथ और नोज़ के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाते. और स्टूडेंट, हमने करना क्या चाहिए कि जब भी हम एक मास्क यूज़ करें तो हमें उसको फौरन से डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, और कोई भी यूज्ड मास्क जो है वो हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. हर दवा हमें एक न्यू मास्क जो है वो यूज़ करना चाहिए. स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है वॉशिंग हैंड्स. हमें साबुन से, सोप से तकरीबन 20 सेकंड्स तक जो है वो अपने हाथों को धोना चाहिए. खाना खाने से पहले हमें जो है वो अपने हैंड वॉश करने चाहिए, उसके बाद भी हैंड वॉश करने चाहिए. और स्टूडेंट, टॉयलेट को यूज़ करने के बाद भी हमें जो है वो अपने हैंड वॉश करने चाहिए. और कोई भी, जब हम किसी डर्टी चीज़ को जो है वो हाथ लगाते हैं तो हमें फ़ौरन से अपने हाथों को साबुन के साथ धोना चाहिए. और स्टूडेंट, हमें किस तरह हेल्प करता है कि हमारे जर्म्स जो हैं वो हमारे हाथों से या हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है और हमें इन्फेक्शन से जो है वो बचाता है. तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं कि 30 जनवरी जो है वो वर्ल्ड क्लीनेस्ट डे के तौर पे जो है वो मनाया जाता है, ताकि हर कोई जो इंसान है उसको अवेयरनेस दी जाए कि जो सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, और हमें अपने घरों को, अपनी फैक्ट्रीज को, अपने जो ऑफिसेज हैं उनको, और अपने जहाँ पर हम रहते हैं उन इलाकों को हमें साफ़ रखना चाहिए. जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.